साथियों, एक मेरी बात जरूर ध्यान से सुनिएगा। अब नया समय आ गया है, नया सवेरा, नए उदय का समय आया है। एक एक वोट जब कांग्रेस पार्टी के हक में जींद का इलाका डालेगा, जब जींद से कांग्रेस भारी मतों से जीत कर जाएगी, जब आप अपने अजीज को अपनी नुमाइंदगी का मौका देंगे, तो मैं आज कहकर जाता हूं 90 दिनों के अंदर खट्टर सरकार अपने बोझ के तले चरमरा कर गिर जाएगी और कांग्रेस की सरकार का गठन करेंगे। इसलिए आज अगला 28 तारीख का, जब तक पोलिंग की एक एक वोट, पोलिंग का समय 5 बजे है पर 8-8, 7-7 बजे तक पोलिंग चलती है, जो मतदाता अंदर आ जाते हैं, इसलिए 28 तारीख को एक एक वोट भुगताने की जिम्मेवारी आपकी है, पहरेदारी देने की जिम्मेवारी आपकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग शराब पिलाएंगे, दूसरी पार्टियों के लोग, लोकदल पार्टियों के लोग, उनका यह धंधा है डराएंगे, दबाएंगे। पर आप एक बात समझ लीजिएगा, अगर प्रशासन का कोई आदमी, अगर चौटाला का कोई गुंडा एक कार्यकर्ता या एक वोटर की तरफ उसने नजर उठाकर देख ली, तो याद करिए फिर नरवाना वाला वही मंजर हो जाएगा, वही मंजर हो जाएगा। चौटाला परिवार को वहां से भी ये मेरे साथी खड़े तब भी भगाया था, फिर उसी प्रकार से वोट की चोट से भगाएंगे। पहला आक्रमण आपका भाई और आखिरी आक्रमण भी आपका भाई अपनी छाती पर सहेगा। ना सरकार से डरने की जरूरत, ना गुंडों से डरने की जरूरत। जाकर पहरेदारी करिए, चौकीदारी करिए, एक एक वोट भुगताइए, एक एक दोस्त रिश्तेदार के पास जाइए और 28 तारीख तक, 28 तारीख की आखिरी वोट डलने तक वहां रहिए और विजयी होकर आइए। कुरुक्षेत्र की भूमि में एक बार फिर नीति की विजय हो, धर्म की विजय हो, कर्तव्य की विजय हो। जय हिंद, जय जींद।